सॉस अलग से बनाते हैं, और इसमें हमने थोड़ा सा रिफाइन लिया और थोड़ा सा 1 टीस्पून करीब इसमें हम बटर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। आज हम बना रहे हैं वाइट पास्ता। वाइट पास्ता के लिए हम वाइट सॉस अलग से बनाएंगे और जो जितनी वेजिटेबल्स हैं उसको अलग से सॉटे करेंगे और फिर दोनों को मिक्स कर देंगे। इसमें हम 1 टीस्पून के करीब लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब इसमें हम प्याज डालेंगे। कम से कम 1 से 2 प्याज इसमें डाल देंगे, एकदम बारीक चॉप करके। ये देखिए ऐसे मैंने ये चॉप किया है, ये प्याज मैं इसमें ऐड करूँगी। इसमें आप वेजिटेबल डाल सकते हैं, जैसे मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्न, स्वीट कॉर्न डाल रही हूँ, ब्रोकली डाल रही हूँ, रेड और येलो बेल पेपर्स डाल रही हूँ, और ग्रीन वाली कैप्सिकम जो होती है शिमला मिर्च वो डाल रही हूँ, और गाजर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, गाजर भी अच्छी लगती है। आपको जो वेजिटेबल डालनी है इसमें आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए लहसुन हमारा भी, लहसुन आपका कंपल्सरी नहीं है, कई लोग लहसुन नहीं लेते हैं तो आप लहसुन मत डालिए, सिर्फ प्याज से बना लीजिए। गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप इसमें प्याज ऐड करेंगे। ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया, इसको बहुत डार्क नहीं करना बट लाइट लाइट ही रखना है। अब हमने इसमें ये 2 प्याज, इसमें ऐड कर दिए। अब इसको भी अच्छे से पहले मिक्स करेंगे और थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। ये देखिए इसको गोल्डन ब्राउन होने तक अब इसको हम चलाएंगे, उसके बाद इसमें हम वेजिटेबल ऐड करेंगे। ये प्याज अब गोल्डन ब्राउन होने वाले हैं, बहुत डार्क कलर नहीं करना हमें, थोड़ा लाइट ही रखना है। बहुत अच्छा ग्रेवी वाला पास्ता बनता है ये वाइट पास्ता। ये देखिए अब प्याज ने ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें हम ये ग्रीन शिमला मिर्च, ये येलो, ये रेड, ये ब्रोकली है, और ये स्वीट कॉर्न मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं, ये आप इसमें ऐड कर दीजिए। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा 5 मिनट के लिए इसको चिन पे रखेंगे, जिससे ये सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स हो जाएं और थोड़ी सी गल जाएं। जब वाइट पास्ता हम बनाते हैं, वाइट सॉस बनाएंगे और इसमें हम पास्ता ऐड करेंगे, तो ये कलरफुल जो वेजिटेबल्स है ना ये सब बहुत अच्छी लगती हैं और टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए आप ये आप अच्छे से अभी 5 मिनट के लिए इसको स्टैंड पे रख दीजिए और ये बहुत अच्छे से सोते हो जाएंगी। फिर इसमें हम वाइट सॉस बना के डालेंगे। गैस को आपको सिम रखना है। अब जो वेजिटेबल थी ये सब सॉटी हो चुकी हैं, अब इसमें मैं नमक, नमक टेस्ट आपके टेस्ट के हिसाब से आप नमक लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी नमक ज़्यादा हो गया तो पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा। नमक ये लीजिए, काली मिर्च, और इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम, ये अभी हम ऑरिगेनो बाद में मिक्स करेंगे, ये 1/2 टीस्पून में डाल रही हूँ इसमें ऑरिगेनो। ये हमारी वेजिटेबल रेडी हो गई। अब हम बनाएंगे व्हाइट सॉस। ये देखिए कितना सुंदर कलर लग रहा है देखने में, कितनी प्यारी लग रही है वेजिटेबल, ऐसे ग्रीन ग्रीन येलो कलरफुल, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये हमारा रेडी हो गया। अब हम बनाएंगे व्हाइट सॉस, तो चलिए व्हाइट सॉस बनाते हैं। अब हम बनाएंगे व्हाइट सॉस। व्हाइट सॉस के लिए मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून बटर, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें बटर ले लिया। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून ही मैदा ऐड करूंगी, तो भर के मैं 2 से 3 चम्मच मैदा ले लूंगी इसमें। ये मेरा 1 टीस्पून मीन्स
टू टीस्पून में वन टेबलस्पून हो गया, मैंने चार चम्मच ले लिया तो मेरा ये टू टेबलस्पून हो गया। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और हम इसके वाइट सॉस बनाएंगे। सिम गैस पे बनाना है आपको, हाई फ्लेम में नहीं बनाना, सिम पे बनाना है। ये देखिए इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे हम सॉस को बनाने के लिए। जब ये ब्राउन हो जाएगा तब इसमें हम एक गिलास मिल्क ऐड करेंगे और नमक और काली मिर्च डालेंगे। आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जब आप इसको बना रहे हैं, जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, जब आप इसमें मिल्क ऐड करेंगे तो इसमें लम्स नहीं आने चाहिए। इसको चलाते रहेंगे, अगर आपके लम्स आ जाते हैं तो आप इसको छन्नी से छानने के बाद ही इसको ऐड करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो देखिए ब्राउन होना स्टार्ट हो गया। अब इसका हम बहुत ध्यान रखेंगे कि जल ना जाए। देखिए धीरे धीरे अभी ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। इसको ऐसे चलाते रहिए। ये देखिए अभी हमारा और बहुत थोड़ा सा और ब्राउन करना है, वैसे ये हो चुका है। बस ये लगना नहीं चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बहुत स्लोली स्लोली आप इसको ऐसे खींचिए। ये देखिए ये ब्राउन हो गया, आप देख सकते हैं। ये देखिए अब ये प्रॉपर कलर इसका जो आना चाहिए वो आ गया है। अब इसमें हम पूरा एक गिलास मिल्क भर के मैंने पूरा ले लिया, ये आप इसमें ऐड कर दीजिए। ये देखिए इसको आप धीरे धीरे चलाते रहिए। इसमें अब हम नमक और काली मिर्च डालेंगे। ये हमने आधी हाफ टी स्पून नमक डाल दिया और हाफ टी स्पून ही काली मिर्च डाल दी। इसको हम धीरे चलाएंगे। आप इसको ऐसे प्रेस करते रहिए जिससे कि इसमें लम्स ना आए बिल्कुल भी। ये गाढ़ी बननी स्टार्ट हो गई। ये देखिए बिल्कुल भी लम्स नहीं आ रहे, एकदम फ्लैट होती जा रही है ये। आपको भी यही ध्यान रखना है बस कि इसमें लम्स नहीं आने चाहिए। ये देखिए ये व्हाइट सॉस अब बिल्कुल रेडी है, ठीक हो गई है ये। और देखिए बिल्कुल भी लम्स नहीं है इसमें, जो थोड़े बहुत आ भी रहे हैं वो मैश हो जाएंगे अपने आप। अब इस सॉस को हम जो वेजिटेबल हमने बनाया है उसमें ऐड करेंगे। ये देखिए ये टेट्रा क्रीम है, ये टेट्रा क्रीम हम पूरे वेजिटेबल में ऐड करेंगे और साथ में थोड़ा सा मिल्क भी ऐड करेंगे। तो चलिए बनाते हैं इसको। ये वेजिटेबल है, अब इसमें हम ये पूरी सॉस ऐड कर देंगे। ये देखिए पूरी सॉस हमने इस वेजिटेबल में ऐड कर दी। अब इसमें हम ये टेट्रा क्रीम जो पैक जो मैंने आपको दिखाया है ये भी हम पूरा इसी में ऐड कर देंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी ये देखिए थिक है, इसमें हम हाफ ग्लास ये मिल्क भी ऐड कर देंगे।
अब इसमें जब उबाला आ जाएगा तब इसमें हम पास्ता ऐड करेंगे। अब इसमें हम ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स दोनों ऐड करेंगे। ये मिक्स हर्ब्स का है, ये मिक्स वाला ओरिगैनो है, आप कोई भी ले सकते हैं। ये हमने चिली फ्लेक्स ले लिया, पाँच थोड़ा कम कर दे। अब देखिए इसमें ये उबाला आ गया है, अब इसमें हम पास्ता ऐड करेंगे। ये पैनी पास्ता लिया है हमने, मैं आपको दिखाती हूँ। पास्ता की भी कई वैरायटी होती है, एक वेव्स वाला होता है, कर्ल्स वाला होता है, एक बटरफ्लाई होता है, एक ये पैनी पास्ता होता है। तो मैंने ये दूध भी साथ में ले लिया। ये देखिए ये पैनी पास्ता लिया है, आपको भी ये वाला पास्ता यूज़ करना है। वाइट पास्ता में यही वाला पास्ता अच्छा लगता है, तो आपको ये लेना है। ये पास्ता, ये पैनी पास्ता है, आपको यही वाला पास्ता यूज़ करना है। वाइट पास्ता में जो वाइट सॉस हम बनाते हैं ना, उसमें यही वाला पास्ता अच्छा लगता है। पास्ता की बहुत वैरायटी आती है, बट आपको ये पैनी पास्ता लेना है, ठीक है। ये मैंने 250 ग्राम करीब पास्ता लिया है, हाफ केजी के पास्ता में से मैंने हाफ ले लिया ये। अब आप इसमें इसको बॉईल करके, इसको बॉईल करते टाइम हमने हल्का सा बहुत खुला पानी लिया पतीले में और इसको अच्छे से बॉईल करा और थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल देते हैं जिससे कि ये चिपकता नहीं है। और इसको वॉश जब छानते हैं तो ठंडे पानी से इसको वॉश कर लेते हैं जिससे कि ये चिपकता नहीं है बिल्कुल भी। इसको ठंडे पानी से आप छान लेंगे ना, वॉश कर लेंगे, तो ये बिल्कुल चिपकेगा नहीं। एक एक पीस इसका खिला खिला बनेगा। ये देखिए अगर आपको गाढ़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर सकते हैं। और इसको 4 से 5 मिनट के लिए हम थोड़ा सिम पे रखेंगे जिससे कि जो पास्ता है थोड़ा अच्छे से इसके फ्लेवर में ऐड हो जाए। ये तो कच्चा कच्चा मुंह में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा पास्ता अच्छे से मिक्स हो जाए। और इतनी देर के लिए इसको हम सिम पे थोड़ा रख देंगे। ये देखिए ये पास्ता रेडी हो गया है, आप देख रहे हैं इसमें ग्रेवी दिख रही है। जो मैंने क्रीम और मिल्क ऐड किया है ये वही ग्रेवी है। अगर आप इसको बना के रख देंगे फिर थोड़ा ड्राई हो जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा थोड़ा सा मिल्क ऐड करिए, उसको दोबारा गर्म कर लीजिए, फिर इसमें ग्रेवी बन जाएगी। अगर आपको टेटा क्रीम ऐड करनी तो आप टेटा क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आप ऐड करके इसको दोबारा गर्म कर सकते हैं, नहीं तो ये अभी थोड़ी देर में ही पड़े पड़े एकदम ड्राई हो जाएगा। तो आप टेटा क्रीम या मिल्क कुछ भी ऐड करके इसकी ग्रेवी दोबारा से बना सकते हैं। तो चलिए पास्ता रेडी हो गया, अब मैं गैस को बंद करने लगी हूँ। ये बिल्कुल रेडी है।